तो दोस्तों फाइनली आ चुके हैं घर के लिए खुशिया। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से और एक नए वीडियो पर। तो अभी तो हो चुके हैं लगभग 2 बज चुके हैं और मैं सुबह से वीडियो स्टार्ट नहीं किया हूँ और मैं एक शीश मंगाया हूँ कि किचन के लिए। तो वाइफ मतलब कई सालों से वही उसके बारे में बात करते आ रहा है कि ऐसा वाला मिल जाता तो कितना अच्छा होता है, वो मिलने से जूस पी लेता है बढ़िया से, वो मिक्स कंटामिनेशन हो जाता। तो ऐसे करके मतलब ऐसे उसका भी एक शौक है वो लेने का, तो इसलिए मैं उसे चुपके से वो सिर्फ मंगाया हूँ मैं। और गैस में बढ़िया कंपनी का मंगाया हूँ, मस्त वाला कंपनी का। और मैं पहले भी होटल में काम किया था, छोटा मोटा होटल में, तो सभी लोग वही बढ़िया वाला इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो सिर्फ मंगाया हूँ। अभी चलते हैं वो लाने के लिए। एक्चुअली सुबह सुबह खोला जाता है डिलीवरी बॉयज का, तो वो सिर्फ मतलब हमारे गाँव तक वो डिलीवर नहीं करते हैं बड़ा बड़ा सिर्फ, तो वही सिर्फ ना हम लोग को खुद वहाँ जाके ही रिसीव करना पड़ता है। इसलिए जाएंगे वाइफ और मैं, काफी गर्मी है, वहाँ पर जाके ही रिसीव करके लेके आएंगे। उसके बाद जूस पियेंगे यार, मिक्स करें तो मिक्स हुआ का पैसा हुआ। ये मम्मी को दे देना, उससे उधार लिया था, और ये मेरा छोटा भाई से छोटा भाई को दे देना, उससे भी उधार लिया था, और उसको बोलना और 200 मिलेगा। तू जा दीदा देखे हुआ तेरा पैसा, मैं नहीं लिया, तूने लिया। ओके ओके ठीक है। और अभी यहाँ से तो केदार लेके आते हैं, ये जमीन में खरीदा हमें यूट्यूब का पैसा से, ये वाला। तो इसमें केला पकने वाला है, अरे सुपारी का पौधा खत्म भी हो सकता है, ये मतलब दूसरा का है ये, फाइनली गिर गया। केला, असम में केला बोलने से बहुत गुस्सा आता है, यानी कि स्लैंग वर्ड होता है ये केला बोलने से, है केला बोलने से। और दीपक कलर को याद आता है केला बोलता है। तो असम में आप जितना असम में वो ट्रोलिंग करेंगे तो घूमेंगे ना, घूमने से तो यहाँ पर ये केला को केला मत बोलिए, कॉल बोलिए, केला मतलब सलांग वाट होते हैं, लड़का लग तो समझ गए होंगे। ए केला बोलते हैं। बहुत मोटा मोटा केला है, डांगर डांगर कॉल। एक्चुअली ये मतलब पहले तो ये अभी धीरे धीरे जंगल हो रहा है, मुझे यहाँ पर फिर से दवाई मारना पड़ेगा। तो मैं यूट्यूब का पैसा से ये पूरा लिया मैं, ये पूरा एरिया में यहाँ पर एक्चुअली घर बनाने के लिए, इसमें पूरा हरा वाला हो चुके हैं, इसको अभी क्लीन करना पड़ेगा। एक्चुअली ये वाला केला को चिड़िया लोग खा रहे थे, 2-3 तो ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं चिड़िया लोग, बहुत मीठा होते हैं पूरा फ्योर वाला। इसमें दवाई दवाई कुछ भी नहीं डालेंगे, ऐसे ही फंक जाएगा, ये 2-3 दिन के अंदर में फंक जाएगा, क्योंकि गर्मी का मौसम है ना इसलिए। तो आखिर घर मिल गया है, मेरा सामान काफ़ी बड़ा है और हैवी है, इसलिए 2 आदमी चाहिए। तो गैस इसलिए 2 आदमी चाहिए इसको लेके जाने के लिए, एक आदमी को वहाँ जाने के बाद अनबॉक्सिंग करूँगा। तो फाइनली हम लोग मार्केट भी कर लिया, काफ़ी फ्रूट भी ले लिया, अभी बैंक का काम भी हो चुके हैं, अभी चलता है सीधा गाँव पर ही, और गाँव पर जाने के बाद इसे अनबॉक्सिंग करते हैं, बहुत ही बड़ी भाई। सो गैस आखिरकार पहुँच गए हैं घर पर, अभी इसे करेंगे अनबॉक्सिंग, बहुत गर्मी भाई। तो दोस्तों फाइनली आ चुके हैं घर के लिए खुशिया। ये सपना लेडीज के लिए है, मेरे लिए ही आया है, बहुत सारा प्यार है इसमें, प्यार ही कहेंगे क्योंकि मुझे काम करने में आसान रहेगा ना इसलिए। चलो सो गाइस, अभी तो रेस्ट वेस्ट कुछ भी नहीं की है, तो रहा नहीं जा रहा यार, तो इसलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं भाई। चाकू नहीं है, हो गया बढ़िया करके बना है, एक चाकू था, एकमात्र चाकू वो खो गया, तो काफी था यार। काटने के लिए नहीं आता यार। अरे भाई मैं तो उल्टा कर रहा हूँ भाई, कोई बात नहीं। अरे भाई उल्टा हो गया,
हाँ पूरा पसीना छूट गया यार। तू तो नहीं किया। हाँ हाँ बाप रे बहुत बड़ी यार। अरे ये यहाँ जूस पिएगा ना। हाँ हाँ दक्कन होगा यार। जूस पिएंगे भाई जूस जूस। एक्स्ट्रा दक्कन होगा इसके लिए होगा इसके लिए हाँ इसके लिए। तो इसको यहाँ रखते हैं भाई। यहाँ रखते हैं। ओ भाई प्रोटेस्टिंग करेंगे यार। किधर गया ये घूमता है कि नहीं घूमता है। मोटर खराब हो गया तो इसलिए टेस्टिंग करना है हर चीज। अरे ओके है यार। का जूस बनाए का। हाँ और भाई अरे पहले तो वास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना हम लोग आनर लेके आए हैं और जूस जूस मत जूस को वो छानने के लिए ये भी लेके आए हैं। लेकिन छोटा हम लोग बड़ा बड़ा काफ़ी खोजा लिहेंगा तो आनर खाएगा ना। आनर टाइम लगेगा। अरे भाई अनार लेके आए आम लेके आए हैं और लेकिन ठंडा पानी नहीं। जा ठंडा पानी लेके आओ क्योंकि जूस पियेंगे और आम के जूस पियेंगे तो इसके लिए ठंडा पानी चाहिए। और साथ में हम लोग लेके आए ब्लैक सॉल्ट। लेकिन ये वाला अच्छा वाला तो नहीं मिला तो फिर भी ठीक ठाक चलेगा। और यहाँ पर भी है तूतल। इसमें तीन तो जार है एक दो तीन। और मैं कौन सी वाला मैं खरीदा हूँ मैं तो आप लोग भी सो मैं वो लिंक दे दूंगा मैं तो वो लिंक पर जाके आप लोग भी खरीद सकते हैं। काफ़ी बढ़िया है पूरा सुजाता वाला कंपनी का मस्त है पूरा हैंडसम है। 900 वाट का बहुत पावरफुल मोटर है ये। और उसके बाद यहाँ पर कैटलॉग भी दिए हैं तो उसको बाद में पढ़ेंगे अंदर पे ही। उसके बाद बढ़िया से बोलेंगे। जूस बनेगा ना लोकल जूस माजा से भी बढ़िया बनेगा। और इसका प्राइस लगभग पड़ता है ये 5600 के आसपास ही पड़ता है ये। काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो 2016-17 के आसपास में इसका प्राइस लगभग 2200 के आसपास था। तो अभी इसका प्राइस काफ़ी बढ़ गया क्योंकि काफ़ी डिमांड में होगा इसी का वजह से ही। पता नहीं क्यों तो सरप्लस टैक्स बढ़ा दिया होगा इसी का वजह से बढ़ गया है इलेक्ट्रॉनिक सामान। और मैं तो पैसा तो वसूल हो जाते हैं क्योंकि ये बढ़िया वाला है। पता नहीं वाइफ को कैसे लग रहा है क्योंकि वाइफ ना एक पहले भी ऐसा बोल रहा था काश हम लोग के पास एक तो ग्रिंडर मशीन होता तो ऐसे बोला करता था। तो मैं इसे चुपके से मंगा दिया हूँ मैं। उसके बाद बोला कि वो एक तो ग्रिंडर मशीन आया पूरा चलो 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 बोल रहा था जाते हैं रिसीव करने के लिए। तो गया रिसीव करने के लिए। तो एक्चुअली ये आने वाला था 10 तारीख या 11 तारीख को आने वाला था लेकिन बहुत जल्द पहुँच गया ये। कैसा लगा था? बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मुझे। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मैं पहली बार में ये ग्रंथर मिजे से कुछ बना के खाऊंगी और खिलाऊंगी भी और खाऊंगी भी सब करूंगी मैं ये। और छोटा मोटा काम होगा ना इससे भी कर लूंगी। मैं बहुत ही ज्यादा मैं खुश हूँ ये मंगाया। मुझे पता नहीं था ये मंगाया करके अचानक से ये चलो बोला है तो मार्केट में तो हम बोला थोड़ा रुकते हैं उसके बाद चलते हैं। तो इन्होंने बोला चलो तो हम ग्रंथर मशीन आ गया बोला है। तो मैं इतना खुश हो गया तो इसलिए पूरा इसका पीछे पीछे मैं भी भाग के गई। हाँ तो भाई इसे अभी वास करते हैं बढ़िया से उसके बाद जूस बना के पियेंगे। डालो ठंडा पानी डालो ठंडा पानी। यस होगा ना 3 गिलास पता नहीं लेकिन साथ में शुगर मिलता। शुगर है तो हम लेके आए ना हो जाएगा ज्यादा नहीं मीठा नहीं होगा हो जाएगा इतना ज्यादा डाल दिया है। अरे शुगर डालने से मीठा हो जाएगा। डालो शुगर भी डालो ना जूस बनेगा। इसे शुगर ज्यादा खाना नहीं चाहिए। अच्छा नहीं शुगर हेल्थ के लिए। एक
दो हो जाएगा ना, तीन से डालो और थोड़ा ना हो जाएगा थोड़ा सा बस। अरे भाई हो गया, अरे ब्लस्टर भी जाएगा ना, ज़्यादा मत करना। ब्लैक सॉल्ट हुआ, हो गया हो गया, ज़्यादा नहीं हो गया या, मैंगो जूस ऑन कर दूँ? कर दो। अरे टेस्टिंग करो, गिलास क्या हो? इसी में ही दे दो। अरे ये गिलास नहीं है क्या? हम इसमें पिएगा। ओ ऊपर से आ गया, चलो अरे भाई ऊपर हो गया, हो गया जरा टेस्टिंग करो। या जूस 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 जूस, वाह मैंगो जूस हो गया ना। कुकिंग कुकिंग क्या बोलता है इसके, मिक्सिंग बोलते हैं ना, ग्राइंडर बोलते हैं। गाइस यहां पर है जूस, बढ़िया हुआ। सो गाइस मैंने फाइनली अनबॉक्सिंग कर भी चुके हैं, तो रखने का जगह नहीं है क्योंकि हम का घर बहुत ही छोटा है, इसलिए मैं ये पलंग के नीचे में रख दूंगा, ये इसी में बढ़िया से तो काम करते हैं, पैसा तो वसूल हो जाएंगे। पूरा पावरफुल मोटर है, पूरा सब कुछ बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, बढ़िया मटेरियल से बने है ये सब ब्रांड का, और मैं इसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जाके भी खरीद सकते हैं या देख भी सकते हैं या यूट्यूब पे भी चार्ज कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया आता है ये वाला ब्रांड का, और अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे भाई, पूरा थक गया ना पूरा फूल। तो यहाँ पर ना इसी जंगल को सफाई करने के लिए मैं दवा भी लेके आया हूँ, मैं केमिकल से मार दूंगा, तो ये मैं पिछले महीना मारा था मैं, उसका बाद फिर इससे ग्रीन हरा भरा हो गया। अगर इसको नहीं मारेंगे ना ये पूरा इस तरह इससे बड़ा बड़ा घने जंगल हो जाएगा, तो जंगल के बीच में हमारे घर हो जाएंगे, तो इसलिए मारना पड़ेगा ये चीज़। और कुछ लोग कमेंट करके बोलते हैं कि आपको वहाँ पर बकरी और गाय नहीं है क्या? हाँ नहीं है, बकरी और गाय नहीं है हमारे यहाँ पर, क्योंकि वो रखने से ना तो अपनापन जैसे लगता है ऐसा हो जाता है, उसके बाद उसको बेच के खाना तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हमारे यहाँ के लोग ना वो गाय बकरी फर्क ऐसे नहीं पालते हैं। और फर्क खाने का मन है तो, चिकन खाने का मन है तो बाहर से करके खाते हैं। और इसको मरना पड़ेगा मुझे दवा, ये फिनिश करना पड़ेगा, और ये दवाई मरना का फिनिश करने से ना कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, तो मजबूरन मानना पड़ता है। हमारे यहाँ का मिट्टी बहुत उपजाऊ होते हैं, बहुत स्पीड से वो ग्रास ग्रो होते हैं, ग्रास ग्रो होने से जंगल हो जाएंगे, उसके बाद सांप आ जाएंगे, ये तो सांप आने से मुश्किल हो गया, तो इसलिए इसे दवाई मार मार के फिनिश करना पड़ेगा, तो खाते से बहुत टाइम लगेगा, तो ये तो बस 5 मिनट के अंदर में फिनिश हो जाता है आराम से। रवित्रा यहाँ पर इसको यहाँ रखते हैं भाई, यहाँ हो गया ना गाइस। इसी का पैर में ये होते हैं सब्जी, और इसे हिंदी से क्या कहते हैं पता नहीं, और हम लोग इसे कहते हैं होनागुलो, और अंग्रेजी से क्या इंडिकम बोलता है मुझे पता नहीं एग्जैक्ट नाम, तो भूल गया हूँ। तो इसका रेसिपी ना बहुत ही बढ़िया होते हैं, तो असम में नागालैंड में ऐसा वाला चीज ना बहुत ही होते हैं, लेकिन वहाँ पर ना आदमी लोग ज़्यादातर आदमी लोग तो नहीं खाते हैं, बस फूल खाते हैं, और कुछ लोग खाते भी होंगे लेकिन इसके बारे में मुझे पता नहीं। और मैं जितना भी दोस्त से मिला हूँ ना कोई दोस्त भी खाता नहीं इसका रेसिपी, अगर ना ये चीज आप खाएंगे ड्राइफिश का चटनी तो खाने से आप अंगली चाट चाटने की चाट चाट के भी खा जाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं ये होनागुलो। तो मैं बड़ा वाला रखा हूँ, बड़ा वाला मैं खाल फिनिश करूँगा, ये बस मामा जी के लिए ये लेके जाएगा, आज ये खाएंगे हम ये चटनी करके। ये देखिए त्रोवाल और की पाया। और गुड मॉर्निंग दोस्तों फिर से, और मैं कल अपना वीडियो को फिनिश नहीं किया हूँ, तो इसलिए अभी फिनिश करते हैं वीडियो को ही। सो गाइस कल के वीडियो को अभी सुबह सुबह फिनिश करते हैं, और धीरे धीरे करके बारिश भी होने लगा, छोटा छोटा बूंदे गिर रहे हैं, स्टार्ट हो चुके हैं, तो अभी काम पे भी लगना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारे काम पेंडिंग है, खेत का काम पेंडिंग है, पूरा सब जंगल हो रहे हैं, इसको भी दवाई मार मार के फिनिश करना पड़ेगा, और प्लस सुपर जी का वो खेत ना जो मैं यूट्यूब का पैसा से खरीदा हूँ तो वो भी
क्लीन करना बाकी रह गया, पूरा जंगल तो इससे भी ऊंचा ऊंचा हो चुके हैं, तो इससे थोड़ा कम है, इतना इतना हो चुका है जंगल, तो उसको वहाँ पर भी जाना पड़ेगा दवाई मारने के लिए। तो घूमने का या दोस्तों से टाइम देने का फुर्सत ही नहीं भाई, पूरा बिजी रहते हैं, इसलिए जाना पड़ेगा काम के लिए। तो बाय बाय गैस, बढ़िया से रहना, बहुत फिर खाना खाना और खूब सारा इज्जत खाना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग को, तो आप सभी लोग मुझे वो बहुत ही प्यार देते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट देते हैं, तो बिजी शेड्यूल के कारण मैं वो इसमें रिप्लाई कर नहीं पाता हूँ, तो जितना हो सके मैं ट्राई करता हूँ कि रिप्लाई करने की। और गैस ना, एक चीज़ में क्लैरिफिकेशन दूँ कि मैं 2-3 दिनों से मैं लगातार मैं गेम की प्रमोशन कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर ना कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, तो क्योंकि ना वो गेमिंग बहुत रिस्क होते हैं, मुझे पैसा के बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं वो चीज़ में प्रमोट कर रहा हूँ, तो उससे दूर रहना ही बेस्ट है या बेहतर रहेगा, तो वहाँ पर मत पासिए, तो मुझे पैसा की ज़रूरत है इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो जो जो वो चीज प्रमोट करने के बाद वो ख़राब लगते हैं तो मुझे माफ़ कर देना, मैं इसे पैसा के लिए कर रहा हूँ, कृपया करके मत कीजिए। तो ये वीडियो देखने के बाद वो एजन वाले लोग कि मुझे ऐसा गेम नहीं देंगे यार, तो फिर भी देने से करेंगे, नहीं देने से कोई बात नहीं। तो बाय।